दोस्तों नमस्कार। मुस्लिम पॉपुलेशन इन बिहार के बाद आज हम लोग बात करेंगे मुस्लिम पॉपुलेशन इन झारखंड के ऊपर। और इसमें भी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी जितना डार्क ग्रीन है वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन उतना ज़्यादा है, जो जितना लाइट ग्रीन है जैसे पश्चिमी सिंहभूम को आप देख सकते हैं, सिमडेगा को आप देख सकते हैं, खूंटी को देख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन कम है। वहीं जब आप सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो आप पाकुड़ को देखिए, यहाँ पर 35.87 मुस्लिम पॉपुलेशन है। फिर साहिबगंज है 34.61। उसी तरीके से और भी जगह है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे गोड्डा में 22.02। तो सभी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और इसके ऊपर ये भी हम लोग बात करेंगे कि इसका कारण क्या है कि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन इतना ही है, मतलब जो भी परसेंटेज है वो क्यों है, कहीं पे ज़्यादा है तो क्यों है, कहीं पे कम है तो क्यों है। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ये संथाल परगना पार्ट है और यहाँ पे 22.73 ये सब डिवीज़न है, 22.73 ओवरऑल मुस्लिम पॉपुलेशन है। और ये डाटा है 2011 का। उसके बाद फिर जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये हजारीबाग धनबाद डिवीज़न है और यहाँ पे 15.61 परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके बाद जब आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये पलामू डिवीज़न है और यहाँ पे 12.60 जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके बाद एक आप ये वाला पार्ट देख रहे होंगे, ये रांची डिवीज़न है और यहाँ पे 10.58 मुस्लिम पॉपुलेशन है। फिर आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला ये सिंहभूम का क्षेत्र है और यहाँ पे 6.29 परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो सारे सब डिवीज़न की बात मैंने आपको बता दी। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है तो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है और कम है तो मुस्लिम पॉपुलेशन कम क्यों है। तो सबसे ज़्यादा की यदि हम लोग बात करें तो पाकुड़ है 35.87 परसेंटेज मुस्लिम पॉपुलेशन है। और जब हम लोग सबसे कम परसेंटेज की बात करते हैं किसान की, मतलब जहाँ पे सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो वो खूंटी आपको दिखाई पड़ रहा होगा 2.47। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, ये तीन ज़िले जो हैं यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे कम है और पाकुड़ में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। आपको पता होगा कि पाकुड़ के बाद यहाँ पे एक नैरो गैप है इस तरीके से, ऐसे करके, और ये बंगाल है और यहाँ पे बांग्लादेश है, मतलब कि ये इधर इंडिया हो गया और इधर बांग्लादेश, और ये बीच में जो ये वाला पार्ट है ये पश्चिम बंगाल का पार्ट है। इसी कारण से ये पाकुड़ जो है यहाँ पे आपको मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा दिखती है। 1971 वार के समय भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ था और उसके समय भी उसके पहले भी यहाँ पे जो पहले से मुस्लिम्स बसे हुए हैं उसी के कारण यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं साहिबगंज की, जो कि सेकंड मोस्ट यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरे झारखंड में, यहाँ पर भी सेम रीज़न वही चीज़ है कि ये बंगाल से काफ़ी सटा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मास कन्वर्सन हुआ है हिंदुओं का और ट्राइबल्स का भी। तो बाकी यहाँ पे कोई अलग रीज़न आपको झारखंड में नहीं दिखेगा, सभी जगह पे यही रीज़न है कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा कहीं पे है तो क्यों है। गोड्डा का तो खैर ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि
ये जो है मिनी भागलपुरी कहा जाता है इसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाला जो पूरा का पूरा संथाल परगना डिवीज़न है, ये एक समय भागलपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता था। ये मतलब कोई अलग से कोई डिवीज़न नहीं था, ये इस पूरे क्षेत्र का जो हेड ऑफिस था वो भागलपुर था। लेकिन झारखंड बंटवारे के बाद इसको दुमका बना दिया गया और जो है संथाल परगना का जो एक अलग डिवीज़न इसे क्रिएट किया गया। तो इसी कारण से यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो फिर गिरिडीह का नंबर आता है, हजारीबाग का ये नंबर आता है, फिर लोहरदगा का नंबर आता है, धनबाद का नंबर आता है, देवघर का। तो यहाँ पे कोई ख़ास रीज़न नहीं है कि यहाँ पे क्यों मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है। वही रीज़न है कि बाद में मुस्लिम्स आकर के यहाँ पे या तो बस गए हैं, या तो जो पहले से मुस्लिम्स रह रहे थे या फिर जो हिंदू रह रहे थे उनका मास वे में कन्वर्सन किया गया है, कन्वर्ट किया गया है उनको। अब बात करते हैं कि फिर अगर ऐसा ही बात है तो फिर ये तीनों ज़िले में ऐसी कौन सी बात है कि ये यहाँ पे मतलब कि ये तीनों ज़िले में फिर इतना कम पॉपुलेशन क्यों है? कहीं पे 2.4, 2.5, 2.5, खूंटी सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में, ऐसा कौन सा रीज़न है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है ऐसे करके, ये जो पूरा एरिया है ये जो है उड़िया स्पीकिंग रीजन में आता है, ठीक है? पश्चिमी सिंहभूम का आप ऐसे ही मान लीजिए ऐसे करके, ये यहाँ पे उड़िया ट्राइबल्स यहाँ पे रहते हैं और ये लोग उड़िया ही बोलते हैं। तो जिस समय झारखंड को बिहार से अलग किया जा रहा था उस समय भी ये मांग उठी थी कि उड़िया लोगों का ये कहना था कि हमें बिहार झारखंड बंटवारे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि झारखंड अभी अलग हो रहा है बिहार से। तो जो ये उड़िया स्पीकिंग का जो रीजन है ये उड़ीसा में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये आज भी झारखंड का पार्ट बना हुआ है। एक तरीके से कहा जाए तो झारखंड ने इसे इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये क्षेत्र काफ़ी यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बहुत कम हुआ है। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन इसलिए हो गया क्योंकि ये जमशेदपुर वगैरह काफ़ी डेवलप कर गया, जिसके कारण रांची तो कैपिटल है, जिसके कारण नहीं तो ये आपको पता ही हो कि झारखंड का नाम ही है कि फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा है और फॉरेस्ट लैंड बहुत ज़्यादा है, यही बात है। तो पश्चिमी सिंहभूम खूंटी और सिमडेगा में यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे नगरीय सभ्यता जो है, जो मतलब कि आर्यन सिविलाइजेशन आपको मिलता है वो बहुत कम है। इंडो आर्यन्स एथनिसिटी के लोग बहुत कम मिलेंगे, जो भी मिलेंगे वो ट्राइबल्स मिलेंगे, मतलब ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइबल्स जो हैं, जिनको कि कहा जाता है कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के पहले से भी ये मतलब यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो लोग वही आदिवासी लोग यहाँ पे रह रहे हैं जो कि आर्यन सिविलाइजेशन के पार्ट अभी मतलब अब धीरे धीरे पार्ट तो नहीं बन पाए हैं, मतलब कि वो लोग धीरे धीरे अब सारे सोसाइटी का पार्ट अब बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे सारे लोग घुल मिल रहे हैं क्योंकि अब तो सब कुछ एक जैसा हो गया है। इसी कारण से यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन कम है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे भी डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, अगर यहाँ पे भी डिफॉरेस्टेशन होता है तो यहाँ पर भी मुस्लिम्स आकर के अतिक्रमण करेंगे, बसेंगे, जैसे कि साहिबगंज, गोड्डा और इन क्षेत्रों में, देवघर और गिरिडीह हजारीबाग वाले क्षेत्रों में आकर के बस गए हैं और लोहरदगा में भी आकर के बसे हैं। तो इस कारण से यहाँ पर भी लोग आकर के मुस्लिम्स बस जाएंगे। तो ये तो झारखंडियों का और वहाँ के लोगों का जो है कर्तव्य है कि वो किस तरीके से बचाते हैं अपने राज्य को। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद। और मैं आपको ये भी बता दूँ
कि ये वाला जो क्षेत्र है ये सारा अंग प्रदेश का क्षेत्र है। मूलतः ये वाला जो क्षेत्र है ये अंग प्रदेश में ही आता है, और गिरिडीह और क्या बोलता हूँ मैं, ये गिरिडीह का अपर पार्ट, ये भी थोड़ा बहुत यहाँ पर भी आपको अंगिका स्पीकिंग पॉपुलेशन दिख जाएगी। तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये अंग प्रदेश का ही क्षेत्र है। यहाँ पे बाद में संथालियों को ला के बसाया गया था, जिसके कारण कि जो है ये संथाली यहीं पे बस गए, और इसके कारण ये एक इनको एक अलग नाम दे दिया गया, संथाल परगना। नहीं तो ये सारा का सारा क्षेत्र जो है वो अंग प्रदेश का ही क्षेत्र हिस्टोरिकली रहा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय अंग प्रदेश, जय बिहार, जय हिंद।